अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामईन किराम, आज मैं आप हजरात की खिदमत में सूरत के तबलीगी इज्तिमा की कुछ रिपोर्ट पेश करेंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के हर ज़िला में तबलीगी इज्तिमा हो रहे थे, अब गुजरात में भी तबलीगी इज्तिमा हर ज़िला में हो रहे हैं। गुजरात के सूरत का यह तबलीगी इज्तिमा, जिसकी तारीख कुछ इस तरह थी, 1-2-3 जनवरी 2023 को हुआ है। इस तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां काफ़ी दिन पहले से ही चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गई थी और यह तबलीगी इज्तिमा भी बहुत ही अच्छा रहा। इस तबलीगी इज्तिमा में खाने की भी बड़ी सहूलत थी, खाने के लिए कई जोन बनाए गए थे और पानी पीने के लिए कई सबीले बनाई गई थी। उसके अलावा जगह जगह चाय और शरबत का भी इंतज़ाम किया गया था। इस तबलीगी इज्तिमा में डॉक्टरों का भी इंतज़ाम किया गया था, वो डॉक्टर हजरात 3 दिन मुसलसल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और खिदमत करने वाले अहबाब 3 दिन रात मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस तबलीगी इज्तिमा में लाखों लोगों ने शिरकत की। इस तबलीगी इज्तिमा की इंतज़ामिया कमेटी ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया। इस तबलीगी इज्तिमा में उलमाए कराम ने अपने बयानों में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बतलाया कि इंसान इस दुनिया में किस मकसद के लिए आया था। इस तबलीगी इज्तिमा से हज़ारों लोग अल्लाह के रास्ते में निकले। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके निकलने को कबूल फरमाए और इस इज्तिमा में हिस्सा लेने वाले अहबाब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और हम आप हजरात की खिदमत में तबलीगी इज्तिमा के बारे में ख़बरें ज़रूर पेश करते रहेंगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्द और आसानी से पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।